आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ गोरखपुर हाईवे पर बड़ा हादसा, डिवाइडर से टकराकर ट्रक पलटा। सड़क दुर्घटना में 3 छात्राओं की मौत, 1 घायल। आरकन्या इंटर कॉलेज जा रही थी छात्राएं, थाना कैंट के शहादतगंज NH 27 पर हुआ हादसा। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ गोरखपुर हाईवे पर बड़ा हादसा, डिवाइडर से टकराकर ट्रक पलटा। सड़क दुर्घटना में 3 छात्राओं की मौत, 1 घायल। आर्यकन्या इंटर कॉलेज जा रही थी छात्राएं, थाना कैंट के शहादतगंज NH 27 पर हुआ हादसा। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ गोरखपुर हाईवे पर यह हुआ बड़ा हादसा, डिवाइडर से टकराकर ट्रक पलटा। आर्यकन्या इंटर कॉलेज जा रही थी छात्राएं, बहराइच दौरे पर जाएंगे सीएम योगी। बड़ी खबर सामने आ रही है, जनविश्वास यात्रा में शिरकत करेंगे सीएम। कई योजनाओं का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास, जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम योगी। बहराइच दौरे पर जाएंगे सीएम योगी, जनविश्वास यात्रा में शिरकत करेंगे सीएम। कई योजनाओं का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास, जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम योगी। बहराइच दौरे पर जाएंगे सीएम योगी, जनविश्वास यात्रा में शिरकत करेंगे सीएम। कई योजनाओं का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास, जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम योगी। बहराइच दौरे पर जाएंगे सीएम योगी, जनविश्वास यात्रा में शिरकत करेंगे सीएम। कई योजनाओं का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास, जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम। बहराइच दौरे पर जाएंगे सीएम योगी, बड़ी खबर सामने आ रही है। जनविश्वास यात्रा में शिरकत करेंगे सीएम, कई योजनाओं का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास, जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम। बहराइच दौरे पर जाएंगे सीएम योगी, जनविश्वास यात्रा में शिरकत करेंगे सीएम। कई योजनाओं का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास, जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम योगी। बहराइच दौरे पर जाएंगे सीएम योगी, जनविश्वास यात्रा में शिरकत करेंगे सीएम। कई योजनाओं का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास, बहराइच दौरे पर सीएम योगी, जनविश्वास यात्रा में शिरकत करेंगे सीएम। आपको बता दें, जनविश्वास यात्रा अलग अलग जिलों में जा रही है और जनसंपर्क कर रही है। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इस इत्र कारोबारी के ठिकानों पर हुई छापेमारी, पीयूष जैन के 6 ठिकानों पर बड़ा छापा, 160 करोड़ की अघोषित रकम का हुआ खुलासा। आईटी रेड में करीब 90 करोड़ नगद बरामद। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इत्र कारोबारी के ठिकानों पर हुई छापेमारी, पीयूष जैन के 6 ठिकानों पर बड़ा छापा, 160 करोड़ की अघोषित रकम का हुआ खुलासा। आईटी रेड में करीब 90 करोड़ नगद बरामद। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इत्र कारोबारी के ठिकानों पर हुई छापेमारी, पीयूष जैन के 6 ठिकानों पर बड़ा छापा, 160 करोड़ की अघोषित रकम का हुआ खुलासा। आईटी रेड में करीब 90 करोड़ नगद बरामद। कानपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इत्र कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। क्रिसमस और नए साल को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट, पुलिस कमिश्नर डी के ठाकुर ने दिया निर्देश। कोरोना को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट हुआ, बार रेस्टोरेंट और रिजॉर्ट को जारी किया निर्देश। कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करने का दिया निर्देश। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। क्रिसमस और नए साल को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट, पुलिस कमिश्नर डी के ठाकुर ने दिए निर्देश। कोरोना को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट,
बार रेस्टोरेंट और रिजॉर्ट को जारी किया गया निर्देश, कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करने का दिया दिशा निर्देश। लखनऊ पुलिस को मिली बड़ी सफलता, शोएब खान हत्याकांड का हुआ खुलासा, हत्या में शामिल चार आरोपी हुए गिरफ्तार, ब्याज की रकम को लेकर हुई हत्या, ब्याज नहीं देने पर लिए मौत के घाट उतारा, लोहे की रॉड से मारकर हुई थी हत्या। लखनऊ पुलिस को मिली बड़ी सफलता, शोएब खान हत्याकांड का हुआ खुलासा, हत्या में शामिल चार आरोपी गिरफ्तार, ब्याज की रकम को लेकर हुई हत्या, ब्याज नहीं देने पर उतारा मौत के घाट, लोहे की रॉड से मारकर की हत्या। लखनऊ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, शोएब खान हत्याकांड का हुआ खुलासा, हत्या में शामिल चार आरोपी हुए गिरफ्तार, ब्याज की रकम को लेकर हुई हत्या, ब्याज नहीं देने के लिए उतारा मौत के घाट, लोहे की रॉड से मारकर हुई थी हत्या। लखनऊ दौरे पर आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दो दिवसीय दौरे पर आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, 25 और 26 दिसंबर को लखनऊ में रहेंगे रक्षा मंत्री। परीक्षण केंद्र और ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण भी होगा। लखनऊ दौरे पर आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दो दिवसीय दौरे पर आएंगे राजनाथ सिंह, 25 और 26 दिसंबर को लखनऊ में रहेंगे रक्षा मंत्री। परीक्षण केंद्र और ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण केंद्र का करेंगे शिलान्यास। लखनऊ दौरे पर आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बड़ी खबर सामने आ रही है, दो दिवसीय दौरे पर आएंगे राजनाथ सिंह, 25 और 26 दिसंबर को लखनऊ में रहेंगे रक्षा मंत्री। परीक्षण केंद्र और ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण केंद्र का करेंगे शिलान्यास। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ दौरे पर रहेंगे, दो दिवसीय दौरे पर आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, 25 और 26 दिसंबर को लखनऊ में रहेंगे रक्षा मंत्री। परीक्षण केंद्र और ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण केंद्र का करेंगे शिलान्यास। लखनऊ में रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, परीक्षण केंद्र और ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण केंद्र का करेंगे शिलान्यास। लखनऊ दौरे पर आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, 25 और 26 दिसंबर को लखनऊ में रहेंगे रक्षा मंत्री, परीक्षण केंद्र और ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण केंद्र का करेंगे शिलान्यास। लखनऊ में बढ़ रहा कोरोना का खतरा, तीन लोगों में कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि, संक्रमित लोगों के सैंपल जांच को भेजे गए। लखनऊ में बढ़ा कोरोना का खतरा, तीन लोगों में कोरोना संक्रमण की हुई पुष्टि, संक्रमित लोगों के सैंपल जांच को भेजे गए। लखनऊ में बढ़ा कोरोना का खतरा, तीन लोगों में कोरोना संक्रमण की हुई पुष्टि, संक्रमित लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, सूबे की पुलिस को डीजीपी का निर्देश, डीजीपी मुकुल गोयल ने जारी किया निर्देश, चुनाव से पहले मामूली विवादों को निपटाने का दिया निर्देश, जमीनी विवादों को सुलझाने का दिया आदेश। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सूबे की पुलिस को डीजीपी का निर्देश मिला है, डीजीपी मुकुल गोयल ने जारी किया निर्देश, चुनाव से पहले मामूली विवादों को निपटाने का दिया निर्देश, जमीनी विवाद को सुलझाने का दिया निर्देश। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।